हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सिर्फ राजकमल। फ्रेंड्स, बात करेंगे स्विट्जरलैंड राइट इशू को लेकर के, कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इन्वेस्टमेंट लो लेवल पे कर रखा है, यानी कि 6-7-8 रुपीज़ के आसपास कर रखा है, या 8.5 रुपये जो अभी इसका लेवल है, इसके आसपास ही आपने पहले बाइंग की थी, तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप अगर एवरेज बनाना चाहते हैं तो उस पर्पज़ से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के शेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्टर नहीं बढ़ाना चाहते, तो आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें एक और नज़रिया है कि अगर ये शेयर इस तरह का होता, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री शेयर जो कि 1500 रुपये के आसपास जब शेयर था तो राइट इशू लेकर आया था और 1200 रुपये पे शेयर्स दिए थे, तो फ्रेंड्स तब तो हमें मालूम था कि ये फंडामेंटली बहुत बेटर शेयर है, अपर लेवल पर है और अपर लेवल पे ग्रोथ पे जाएगा और हमें हमारे इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी फंडा नहीं है इस वक्त। हम तो खुद ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हैं कि ये कब अपने बेटर फंडामेंटल्स करेगा, बेटर रिजल्ट्स और आने वाले टाइम में देगा, शेयर अपर लेवल मूवमेंट पे जाएगा और हमें हमारे इन्वेस्टर बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, तभी जब एक अपर लेवल ट्रैक लेगा 50+ का या 100+ का। तो फ्रेंड्स, हमें जितना हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसी में बने रहना चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक पैनी स्टॉक है और पैनी स्टॉक में अगर हमें रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जब सोच सकते हैं जब पैनी स्टॉक ना होकर क्योंकि बेटर फंडामेंटल वाला शेयर। सेकेंड थिंग फ्रेंड, अगर आपने 13-14 रुपये के आसपास ले रखे हैं इन शेयर्स को और अगर आपको 13-14 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट करने का, देखिए एवरेज बनाना है, तो आपको आपके जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसमें 25% के आसपास राइट इशू में शेयर्स मिलेंगे और आपका एवरेज सही हो जाएगा एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि आपने 13-14 रुपये के आसपास ले तो आपका राइट इशू पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा एवरेज हो सके और आपको कुछ बेनिफिट हो सके। और अगर वो शेयर आप आने के बाद में बेच करके भी निकलना चाहते हैं प्रॉफिट अर्न करके, तो भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, यानी कि अप्लाई करना राइट इशू में सही रहेगा। थर्ड थिंग फ्रेंड्स, जिन लोगों के पास लिमिटेड पैसा था, एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने इसमें रिस्क लेकर के इन्वेस्टमेंट किया, उनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उनको ऐसे बने रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जैसे होल्ड करना चाहिए शेयर को और उसमें डे बाई डे अपने आप को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए बार बार शेयर की प्राइसेस को देख करके। बस लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर लिया, होल्ड करके रहे और न्यूज़ कुछ भी आने दे, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। चौथी चीज़ फ्रेंड्स, चौथी चीज़ ये है कि जिनके पास बल्क में है शेयर्स, अपर लेवल पे भी हैं और उनको अच्छी क्वांटिटी में भी मिलेंगे, मान लीजिए 10-20 हज़ार शेयर है और 25% के आसपास तक का जो रेशो है 5:21, उसमें आपको राइट इशू में शेयर मिलेंगे, तो आपको लेना चाहिए। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अगर आप उनको बेच करके प्रॉफिट कमा करके निकलना चाहते हैं तो उस पर्पज़ से भी लेना चाहिए, क्योंकि 20,000 शेयर भी आपके पास है, 10,000 शेयर भी आपके पास है, तो आपको मान लीजिए 2,500 शेयर मिलेंगे या 5,000 शेयर मिलेंगे अगर 20,000 शेयर भी है, तो उस पर आप 1-2 रुपये प्लस होकर के भी निकलते हैं और शॉर्ट टर्म में 5-10,000 रुपये कमाने की सोचते हैं, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू थे मैंने आपको बताए, जो ऐसे इन्वेस्टर से पैनी स्टॉक मान करके इसमें छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करा और वो उसमें ना तो कुछ इंक्रीज़ करना चाहते ना डिक्रीज़ करना चाहते, तो उनको राइट इशू के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए, उनको तो बस मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग वेट एंड वॉच करना चाहिए कि कभी बेहतर रिटर्न आने वाले टाइम में उनको देगा। और रिस्क ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का शेयर नहीं है कि इसमें और रिस्क लेकर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। इन्वेस्टमेंट किसको बढ़ाना है ये मैंने आपको अभी डिस्कस करके बताया और आपको पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया कि किसको करना चाहिए। अदरवाइज़ राइट इशू आता है और आप पार्टिसिपेट करते हैं नहीं करते हैं, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग एंड यू जस्ट गो फॉर द लॉन्ग टर्म एंड एक्सपेक्ट फॉर व्हाट पर्पस यू इन्वेस्ट इन दिस शेयर एंड वेट एंड वॉच फॉर द बेटर एंड गुड रिटर्न्स इन फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, बन रहे मेरे चैनल पर मेरे साथ में इस तरह की बातें जानने के लिए और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, मोटिवेट करें मुझे ताकि इस तरह की वीडियोस बना करके मैं आपको देता रहूं। और पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एडवाइस ले सकते हैं, मैंने जो बात अपनी कही वो आपके सामने रखी, क्योंकि मैं शायद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।